welcome to the yet another session on the subject computer networks the topic of today's uh, discussion is third technique of error detection that is known as cyclic redundancy check crc we have already discussed the uh, vrc vertical redundancy check lrc longitudinal redundancy check and the third technique of error detection is the yeah, third method of error detection is called cyclic redundancy check or crc first of all we will discuss what is the crc and then we will discuss the process involved in the crc crc that is cyclic redundancy check is more powerful tool in detecting the errors as compared to the vrc and lrc because it uses binary division

वो डिजाइड कर लेंगे पहले से ही कि डिवीजर क्या होगा तो डेटा यूनिट को वो डिवाइड कर देंगे आप प्री डिवाइजर बाइनरी नंबर इन ऑर्डर टू ऑपटेन द रिमाइंडर वो तो डेटा तो, को वो डिवाइड कर देंगे डिवाइजर के साथ जिसका मेन मोटिव होगा टू ऑपटेन द रिमाइंडर और रिमाइंडर दैट रिमाइंडर इज कॉल्ड सीआरसी the crc has one bit less than the divisor so you need to remember this point it means if the crc is of n bits the divisor is of n plus one bits then the sender appends this crc to the end of the data unit and transmit it to the receiver at the destination the incoming data that is data plus crc is divided by the same number that predetermined binary divisor again if the remainder after division will be zero the data will be accepted but if the remainder will not be zero the data will be rejected so as i have uh, no explained in these Two points if the remainder after division at the destination side will be zero, it indicates the data unit has been damaged, but means it is a zero, it means data is uh, correct. But if the remainder will not be zero, it indicates that the data unit has been damaged in the transist and therefore it is rejected. Now, talking about the various steps followed in the CRC that will be. Uh, made clear to you using this diagram this diagram is from the sender's perspective what the sender will do it will take the data it will add the and the bits to this data and the data plus added bits then will be divided by the predetermined divisor

तो मैंने इसके साथ बोल दिया कि आपको एन बिट्स अपेंड करनी है तो ये कौन से बिट्स अपेंड करनी है ये आप कैसे डिसाइड करोगे दरअसल इसके साथ आप जो बिट्स अपेंड करोगे वो हमेशा जीरो होंगी लेकिन कितनी बिट्स अपेंड करोगे वो कैसे पता चलेगा तो उसको कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है क्योंकि सबसे पहले जो हम डिसाइड करेंगे वो करेंगे डिवाइजर क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि सेंडर और रिसीवर पहले से ही डिसाइड कर लेंगे एक प्री डिटर्मिन डिवाइजर तो मान लीजिए डिवाइजर है वन जीरो वन वन नाउ हम इसका ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स रेस पावर जीरो एक्स रेस पावर वन एक्स रेस पावर टू सो एक्स रेस पावर थ्री सो दिस डिवाइजर इज हैविंग द ऑर्डर ऑफ थ्री तो डिवाइजर का जितना ऑर्डर होगा हम अपने डेटा के साथ उतनी जीरोस को अपेंड कर देंगे क्योंकि ये तो हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया है इससे हम नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर लेंगे जो हम अपेंड करेंगे विद आर डेटा इस डेटा के साथ इसको अपेंड करने के बाद व्हाट वी विल डू वी विल डिवाइड दिस डेटा विद द प्री डिटर्मिंड डिवाइजर तो इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे ड्यूरिंग द डिविजन वी विल नॉट बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दी विल बी यूजिंग ऑफ एक्सक्ल तो यह क्या चीज होती है ये हम आगे देखते हैं अभी. But आपको इतना चीज क्लियर करने की अभी जरूरत है हम डेटा के साथ कुछ जीरो, की, जीरो को एड कर देंगे बट कितने जीरो को एड करेंगे वो हमें पता चलेगा जो हमने डिविजन डिसाइड किया है उसके ऑर्डर से जितना उसका ऑर्डर होगा उतने नंबर ऑफ जीरोस हम अपेंड कर देंगे अपने डेटा के साथ उसको अपेंड करने के बाद डिवाइड कर देंगे जो हमने डिवाइजर डिसाइड किया है और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज कॉल्ड द सीआरसी अब हम क्या करेंगे हम जो हमने जो बिट्स अपेंड की थी उनको हटा देंगे उनकी जगह पे अपेंड कर देंगे क्या सीआरसी और इसको ट्रांसमिट कर देंगे रिसीवर साइड पे ये चीज वापस जाके डिवाइड होगी प्री डिफाइंड डिवाइजर के साथ वन जीरो वन वन अगर इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है जीरो तो इट मींस डेटा इज करेक्टली रिसीव्ड लेकिन अगर रिमाइंडर आता है एनीथिंग एल्स देन द जीरो देन इट मींस द डेटा इज करप्टेड तो दिस इज द लॉजिक ऑफ द सी तो एक बार फिर से प्रोसेस को देख लेते हैं स्ट्रिंग ऑफ एन जीरो डेटा यूनिट ना दिस द लेंथ ऑफ द अपें द स्ट्रिंग टू बी अपेंडेड विल बी कैल्कुलेटेड बाई द विद देंथ ऑफ द प्री डिटर्मिंडिजर प्री डिटर्मिन डिजर जो होगा वो एन प्लस होगा जो हम बिट अपेंड करेंगे वो एन बिट होंगी क्योंकि उसका ऑर्डर हमेशा एक कम रहेगा तो इट मीन्स अगर अगर आपका प्री डिजर है तीन का तो ऑब्वियसली दिस इज एन प्लस वन तो जो आपका स्ट्रिंग आप अपेंड करोगे दैट विल बी टू तो एक बिट हमेशा आप कम एड अपेंड uh, करोगे विद द डेटा और यहाँ आप उसके ऑर्डर से कैलकुलेट कर सकते हो पॉलीनोम कोड uh, में हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द डिवाइजर डिवाइजर का जो भी ऑर्डर रहता है उतनी नंबर ऑफ बिट्स को हम अपेंड कर देते हैं विद डेटा नाउ दिस न्यूली फॉर्म्ड डेटा दैट इज ओरिजिनल डेटा प्लस स्ट्रिंग ऑफ एन जीरोज Is divided by the divisor, divisor using the binary division, and remainder is obtained. This remainder is called CRC. Now, the strings of n zeros appended to the data is replaced by the CRC. Now, the data unit plus CRC is transmitted to the receiver. The receiver on receiving it divides the data unit plus CRC by the same divisor and checks the remainder. So, data or CRC, now this diagram is from the receiver's perspective. The data plus CRC uh, has been received by the receiver. The receiver will divide this data plus CRC with the predetermined divisor and he will calculate the remainder. If the remainder will be zero, it means there, there is no error in the received data. So, data will be accepted. But if the remainder will be non zero,

कि हमने इसके साथ कितना नंबर ऑफ जीरोस को अपेंड करना है बिफोर द डिवीजन तो वो कैलकुलेट करने के लिए इट्स बिकॉज दिस इज डिवाइजर इन एन प्लस एन बिट्स को करना है या हम इसका ऑर्डर देख लें तो एक्स रेस पावर जीरो तीन हो गया तो इसके साथ हाथ हम कितने जीरो अपेंड कर देंगे तीन अब ये तीन जीरो अपेंड करने के बाद वी विल डिवाइड दिस डेटा यूनिट विद द प्री डिटर्मिंड डिवाइजर तो प्री डिटर्मिन डिवाइजर के साथ उसको डिवाइड कर देंगे लाइक दिस सो दिस इज द प्री डिटर्मिन डिवाइजर एंड दिस इज द एक्चुअल डाटा प्लस अपेंडेड जीरोस तो पहले वन पे गया uh, तो अब इसका जो अब देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आप डिवीजन में कॉन्सेप्ट जोर यूज करोगे एक्सक्लूसिव और गेट ना कि सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करोगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सब्ट्रैक्शन वन माइनस वन विल बी जीरो बट यू कैन नॉट सब्रैक्ट वन फ्रॉम जीरो हमें बिट बॉरोप्ट डिस्कस नहीं कर रहे वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं जॉर का एक्सक्लूसिव ऑर्गेट एक्सक्लूसिव ऑर्गेट में क्या होता है अगर दोनों जीरो हो तो आउटपुट विल भी जीरो अगर दोनों वन हो तो आउटपुट विल भी जीरो अगर दोनों में से एक भी बिट वन हो जाए दउटपुट विल भी

हमें ये चीज मिल गई ये तीन डिजिट हमें मिल गए तो जैसे ही आपका जो लेफ्ट मोस्ट बिट जीरो हो जाएगी आप सारे नंबर को जीरो के साथ डिवाइड कर दोगे और ऊपर से एक बिट जो है वो नीचे ले आओगे अब जीरो के साथ डिवाइड करने पे क्या हुआ जीरो 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 वन जीरो वन और एक बिट हमने ऊपर से ले आए देन इट बिकम्स वन जीरो 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 तो अब इसके बाद हमने क्या किया इसको फिर डिवाइड किया किसके साथ वन जीरो वन वन के साथ जीरो तो फिर से हो गई फिर से हमने इसको चार जीरो के साथ डिवाइड कर दिया लेफ्ट बिट को हमने इग्नोर किया और जो हमारे पास बाकी बचा दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर तो रिमाइंडर आ गई तीन बिट्स अब हम क्या करेंगे अब हमने ये ये जो तीन बिट्स अपेंड करी थी इनको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ रिमेंडर के साथ अब यह चीज हम ट्रांसमिट कर देंगे टू द रिसीवर अब रिसीवर को यह चीज जाएगी तो रिसीवर क्या करेगा इसको फिर डिवाइड करेगा विद द से डिवाइजर उसको डिवाइड करने के लिए फिर से जोर का कॉन्सेप्ट यूज होगा डिवाइड करने के बाद अगर रिमेंडर आ जाता है जीरो इट मींस नो एरर बट इफ द रिमाइंडर विल बी नॉन जीरो इट मीन्स देअर इज एन एरर इन द रिसव डेटा तो जैसे मैंने आपको बताया बट देर आर नो समइंट दैट शुड बी रिमेंबर्ड इन द सी आर सी द फर्स्ट पॉइंट इज द सी आर सी कैन डिटेक्ट ऑल द बस्ट एर दैट फैक्ट एंड ऑड नंबर ऑफ बिट्स तो ये सारी बस्ट एर को आइडेंटिफाई कर सकता है

And appending the 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 CRC to the end of the data unit should be result in the bit sequence, sequence which is exactly divis divisible by the divisor. Obviously, अगर आप किसी एक नंबर को किसी एक नंबर के साथ डिवाइड करोगे और उसके रिमाइंडर को अपेंड कर दोगे नंबर के साथ तो डिवाइड फेल करने से उसका हमेशा आंसर जीरो आ जाएगा क्योंकि जो error थी वो आपने इनपुट में add कर दी और एरर को इनपुट में ऐड करने से इनपुट से डिजायर्ड आउटपुट मिल जाती है दिस इज द जनरल लॉ तो इसीलिए इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द सीआरसी आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ लेकिन फिर भी एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं एक क्लीन एग्जाम्पल लूंगा और उसको डिस्कस करूंगा तो क्लीन एग्जाम्पल हम लेते हैं जल्दी से तो मान लीजिए मेरे पास डेटा uh, है सबसे पहले सपोज ए इज द सेंडर एंड बी इज द रिसीवर तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखो ए इज द सेंडर एंड बी इज द रिसीवर तो अब जो सेंडर है और रिसीवर है फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल डिसाइड द डिवाइजर तो मान लीजिए उन्होंने डिवाइजर जो सिलेक्ट किया दैट इज वन जीरो वन तो दिस इज द डिवाइजर दैट हैज बीन सिलेक्टेड बाय द ए एंड बी नाउ सपोज दैट A has some data to send and the data is one zero zero. Now अब इस data से हमें CRC obtain करना है CRC कैसे obtain होगा इस data को divide करने से किसके साथ Divisor के साथ Divisor के, के साथ अगर मैं इसको divide करूँगा तो मेरे पास remainder रिमें, आ जाएगा लेकिन remainder ऐसे नहीं आएगा इसको मैं directly divide नहीं करूँगा. मैं सबसे पहले इस डेटा के साथ एक स्ट्रिंग ऐड करूं अपेंड करूंगा ऑफ जीरोस अब वो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी मतलब उन जीरोस का नंबर कितना होगा सो इट शुड बी डिवाइजर इज एन प्लस वन और हमें ऐड करनी है एन बिट्स या ऑर्डर ऑफ डिवाइजर तो उसके लिए मैंने कैलकुलेट किया ऑर्डर ऑफ डिवाइजर दैट इज एक्स रेस पावर जीरो एक्स रेस पावर वन एक्स रेस पावर टू तो ऑर्डर आ गया टू तो इट मीन मैं दो जीरो इसके साथ अपेंड कर दूंगा

तो मैं इसको जीरो के साथ क्योंकि लेफ्ट मोस्ट बट जीरो आ गई तो इसको मैं जीरो के साथ डिवाइड कर दूंगा फिर से सो वन जीरो आ गया एक्चुअल में, में मेरा पास सीआरसी या रिमाइंडर रिमाइंडर को बोलते हैं सीआरसी हाँ। तो इसके बाद मैंने क्या किया इसको फिर से डिवाइड किया तीन नंबर्स है वन जीरो वन और अब जीरो वन माइनस को मैं इन बिट्स को हटाऊंगा और इसको अपेंड कर दूंगा डेटा so ट्रांसमिट करूंगा दैट विल बी वन जीरो जीरो दिस डेटा विल बी अगेन डिवाइडेड विद द डिवाइजर तो डिवाइजर के साथ फिर से डिवाइड होगा ये नंबर तो एक पे किया पहले सो आंसर इज वन जीरो वन लेफ्ट मोस्ट बिट जीरो हो गई तो तीन जीरो यूज कर लिए आंसर आ गया वन जीरो पे डिवाइड किया वन जीरो वन तो रिमाइंडर आ गया जीरो सो इट मींस जो डेटा मुझे रिसीव हुआ है वो बिल्कुल ठीक है अगर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन डेटा में कोई एरर आ जाए तो जो मेरा रिमाइंडर होगा या जो मैंने रिमाइंडर कैलकुलेट किया वो नॉन जीरो हो जाएगा अगर वो नॉन जीरो है तो इट मींस देयर इज एन एरर इन द रिसीव्ड डेटा तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन वी हैव डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द साइक्लिक रिडंडेंसी चेक द प्रोसेस इन्वॉल्वड इन द सीआरसी एंड देन आल्सो वी डिस्कस्ड एन एग्जांपल ऑफ द सीआरसी